हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार चेस न्यूज एंड अपडेट्स चैनल पर। मेरा नाम है शुभम पांडे और मैं एक इंटरनेशनल फेडरेटेड चेस प्लेयर हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के टॉप 10 चेस प्लेयर्स के बारे में, जिन्होंने सालों से चेस के खेल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए पूरे भारत में टॉप लेवल के नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपना और अपने राज्य का नाम रोशन करके दिखाया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के करेंट लिस्ट और फीडे रेटिंग के आधार पर 10वें स्थान पर हैं। फीडे रेटिंग के साथ मुजफ्फरपुर के गौरव कुमार, जिन्होंने इसी साल सितंबर में हुए दूसरे बालकेश्वर प्रसाद स्मृति ओपन ऑनलाइन ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। नौवें स्थान पर 2065 फीडे रेटिंग के साथ मुजफ्फरपुर के ही सुभाष चंद्र सिन्हा हैं। आठवें स्थान पर पटना डिस्ट्रिक्ट के एक शानदार खिलाड़ी 2084 फीडे रेटिंग के साथ सुधीर कुमार सिन्हा हैं, जो अपने जबरदस्त चेस टेक्निक्स और डायनामिक प्लेइंग स्टाइल से बहुत से टॉप लेवल के टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स को अपने नाम किया है। जैसे 2018 में पुरी में हुए 33वें ऑल इंडिया पोस्टल चेस टूर्नामेंट के इंडिविजुअल कैटेगरी में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही 2019 में मुजफ्फरपुर में हुए बिहार स्टेट सीनियर चेस चैंपियनशिप को शानदार तरीके से अपने नाम करके उन्होंने दूसरी बार बिहार चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। सुधीर कुमार सिन्हा को बिहार के स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर के तौर पे भी देखा जाता है। सातवें स्थान पर 2085 फीडे रेटिंग के साथ पटना के ही वेद प्रकाश सिन्हा हैं। छठे स्थान पर बिहार शतरंज जगत के चहीते खिलाड़ी और हम सब के फेवरेट 2097 फीडे रेटिंग के साथ पटना के ही विपुल सुभाषी हैं। इन्हें भी बिहार के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर के तौर पर देखा जाता है। अमेजिंग चेस स्किल्स और डीप अंडरस्टैंडिंग के वजह से इन्होंने बिहार चेस को एज अ प्लेयर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया है। बिहार के बहुत से यंग चेस प्लेयर्स उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। हाल ही में कोलकाता में हुए 39th नेशनल टीम चेस चैंपियनशिप में बिहार टीम से खेलते हुए विपुल सुभाषी को बोर्ड नंबर 1 पर सबसे शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे चेस ऑनर्स और चैंपियनशिप्स को अपने नाम किया है। पांचवें स्थान पर 2106 रेटिंग के साथ कुणाल हैं, जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज चेस टूर्नामेंट में पटना आरएसबी को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथे स्थान पर 2106 फीडे रेटिंग के साथ वर्तमान में बिहार चेस के एकमात्र टाइटल्ड प्लेयर फीडे मास्टर अरविंद कुमार सिन्हा हैं, जो ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के पूर्व ऑनररी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अरविंद कुमार सिन्हा को वन ऑफ बिहार्स बेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम के रूप में भी देखा जाता है। अरविंद कुमार सिन्हा के चेस पोर्टफोलियो में एक से एक चेस टाइटल्स, मेडल्स और चैंपियनशिप्स का खिताब अपने नाम करने का रिकॉर्ड है। जैसे 1986 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुए कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया है, जो एक चेस प्लेयर के लिए एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। अरविंद कुमार सिन्हा 1981, 1983 और 1986 के बिहार चेस चैंपियन भी रह चुके हैं। 3 बार नेशनल ए क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग उनकी अचीवमेंट तो यह है कि 1986 में मुंबई में हुए नेशनल प्रीमियर ए चेस चैंपियनशिप में उन्होंने द लीजेंड चेस प्लेयर और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया था, जो उस वक्त पे एक यंग इंटरनेशनल मास्टर थे। तीसरे पोजीशन पर 2108 रेटिंग के साथ पटना के सुमन कुमार सिंह हैं, जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज चेस टूर्नामेंट में बिहार सेक्रेटेरिएट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे पोजीशन पर 2223 फीडे रेटिंग के साथ समीर कुमार हैं।
और बिहार चेस में पहले स्थान पर हैं अररिया के सौरभ आनंद जो बिहार के एक सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। सौरभ आनंद ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स अपने नाम करी हैं, जैसे 2018 में सिवान जिले में हुए बिहार स्टेट सीनियर चेस चैंपियनशिप में उन्होंने पहला स्थान पाकर बिहार चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अपने शुरुआती चेस करियर में सौरभ आनंद ने बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट्स और अंडर एज कैटेगरीज में मेडल्स और ट्रॉफीज भी जीते हैं और हाल ही में महाराष्ट्र के कल्याण में हुए सेकंड कल्याण डोंबिवली ऑल इंडिया ओपन इंटरनेशनल फेडरेटिंग चेस टूर्नामेंट में सौरभ आनंद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सौरभ आनंद बिहार के चंद ऐसे खिलाड़ियों में से हैं जो पूरे विश्व के एक से एक ग्रैंड मास्टर्स और इंटरनेशनल मास्टर्स को हराकर अपना, अपने देश का और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस न करें।